हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम करंट अफेयर्स में डिस्कस करने वाले हैं मेगा क्लास 4, और इस क्लास में हमारा आगे के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, ये जो आज की हमारी क्लास है ये बेस्ड है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NILP। NILP प्रोग्राम जो है ये स्पेशली लॉन्च किया गया है एडल्ट लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपको पता है इंडिया में एडल्ट इलिटरेसी एक बहुत बड़ा इशू है, और बहुत सारे ऐसे एडल्ट लोग हैं जो कि अभी भी इलिटरेट हैं। तो उनको किस तरीके से लिटरेट करें, उनको किस तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, यही इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, इस प्रोग्राम में कवर किया जाता है। ठीक है, अब लिटरेसी का मतलब ये नहीं हो गया कि उनको ABCD आती हो, नंबर आती हो, उसके साथ साथ और कितना ज़्यादा उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, ये इस पूरे प्रोग्राम में कवर करा गया है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसके मेजर कंपोनेंट पढ़ेंगे कि ये जो प्रोग्राम है, जो NILP है, वो किस तरीके से काम करता है, एंड इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको कवर किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अगर कंपोनेंट की बात करें कि कंपोनेंट क्या है, तो इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। मैं इसको कवर करती हूँ। देखिए, 5 कंपोनेंट हैं इसके। पहला है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें ये फोकस किया जाता है कि जो एक अडल्ट है, जो इलिटरेट है, उसको इतना ज्ञान दिया जाए कि उसकी फाउंडेशन जो लिटरेसी है, न्यूमरेसी है, वो उसको पता हो जाए। मतलब कि उसको लिखना पढ़ना आता हो, उसको गणित आती हो, ठीक है, उसको नंबर्स आते हो, कैसे गुणा भाग करना है, कैसे जोड़ना घटाना है, ये सारी चीज़ें उसको आती हो। उसके बाद क्रिटिकल लाइफ स्किल। क्रिटिकल लाइफ स्किल में कि कैसे अपना फाइनेंशियल आप कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं, मतलब किस तरीके से आप पैसे रुपये का हिसाब किताब रख सकते हैं, किस तरीके से आप पर्सनल फाइनेंस पर ध्यान रख सकते हैं, या किस तरीके से, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, अब वो अपना रोजगार भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कैसे पैसों को कैसे मैनेज करना है, पैसे कैसे गिनने हैं, या अगर उसके पास पैसा है तो वो कैसे कहाँ पे रखेगा, कैसे बैंक अकाउंट खुलवाएगा, किस तरीके से अगर इंटरनेट ट्रांसफ़र हो रहा है तो किस तरीके से मैनेज करेगा, UPI इसको कैसे यूज़ करेगा। तो यहाँ पे हर तरीके के क्रिटिकल लाइफ स्किल्स भी उसको सिखाई जाएंगी, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल स्किल हो गई, पर्सनल फाइनेंस हो गया, ये सारी चीज़ें भी उसको सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट। उसको ऐसी कोई स्किल देना, उसको ऐसी कोई स्किल में महारत देना ताकि वो अपनी जो रोज़गार है वो कर सके। जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो 40 साल 50 साल का है, 50 साल बन जाए या 55 साल का है, उसको कुछ भी नहीं आता है, तो हम ऐसे क्या चीज़ उसको सिखा सकते हैं जिससे कि वो अपनी जीविका, अपनी लिविंग जो है वो अर्न कर पाए। तो इसके लिए जैसे कारपेंट्री को सिखा दिया, प्लम्बिंग का काम सिखा दिया, तो इस तरीके की स्किल को देना भी एक तरीके का इसका NILP का संकल्प है, इस स्कीम का पार्ट है। बेसिक एजुकेशन उसको आनी चाहिए, मतलब जितना भी बेसिक एजुकेशन होता है, प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो उसको दी जाएगी। और उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति है, उसने अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी कर ली है, तो उसके बाद उसकी कंटिन्यूइंग एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा कि आगे और क्या चीज़ें उसको सिखाई जा सकती हैं, और किस तरीके से उसको और बेटर लिटरेट पर्सन बनाया जा सकता है। एक्सक्यूज़ मी। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या टारगेट है इस पॉलिसी का, क्या टारगेट है, तो टारगेट की अगर हम बात करें तो उसमें बोला गया है कि इम्प्लीमेंटेशन जो पीरियड है ये 5 ईयर का होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड जो है इसका ये 5 ईयर का है। इतने पैसे इसमें खर्च हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1037.90 करोड़ इसमें अमाउंट लगा है। ठीक है, इतना करोड़ सेंट्रल आपकी गवर्नमेंट ने दिया है, और इतना स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होगा। डेटा से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, पैसों से बेसिकली ये टाइम फ्रेम याद रखिए कि 5 ईयर का ये इम्प्लीमेंटेशन पीरियड होगा। 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स को एजुकेट किया जाएगा, और उनका जो एज ग्रुप होगा 15 ईयर्स एंड अबब होगा। ठीक है, 15 साल से जितने लोग हैं, 15 साल के ऊपर के जितने लोग हैं जो नहीं एजुकेटेड है, उनको हम इसमें एडल्ट इलिटरेट्स की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर किस तरीके से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसमें डोर टू डोर सर्वे होंगे, जिससे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन ऐसे बेनिफिशियरीज हैं जिनको इस पॉलिसी की ज़रूरत है। किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसमें टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स पे ध्यान दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जिनको ट्रेंड किया जाएगा दीक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू और NCERT के प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, इसमें जो एडल्ट लर्नर्स हैं, जो कि इलिटरेट पीपल हैं, उनको 200 आवर्स ऑफ टीचिंग प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो मास्टर हो सके, मतलब वो प्रॉपर लिटरेट हो सके। 200 आवर्स ऑफ टीचिंग अगर उन्होंने ले ली और उसमें उन्होंने मास्टरी कर ली, तो इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन जो है, ये 5 कंपोनेंट जो है वो उन्होंने पूरे कर लिए। उसके बाद हम कंटिन्यूइंग जो उनकी एजुकेशन है उस पर फोकस करेंगे।
ये जो स्कीम है आपकी, ये आपकी वॉलेंटियर ड्रिवन स्कीम है, इसमें वॉलेंटियर का यूज़ किया जाएगा। इसमें ये बोला गया है कि एटलीस्ट 10 लाख टीचर्स को ट्रेंड किया जाएगा ताकि उससे 1 करोड़ एडल्ट्स को टीच करा जा सके। ठीक है, 10 लाख टीचर्स को इन्होंने ट्रेंड करने की बात की है। वॉलंटियर्स होंगे ये सारे, इनको ट्रेंड किया जाएगा और उसके बाद उससे 1 करोड़ एडल्ट जो इलिटरेट हैं अभी, उनको लिटरेट करने का काम किया जाएगा। तो ये था आपका स्कीम NILP। आई होप ये आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।